अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो कॉनिक सेक्शन पे है। इंजीनियरिंग का कॉनिक सेक्शंस, उसमें हम एलिप्स के बारे में, पैराबोला, हाइपरबोला वगैरह के बारे में जो है ना वो डिस्कस करेंगे। ये फोर्थ लेक्चर है हमारा इस कोर्स का। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कौन है, ठीक है, सिंपल जो कौन होती है। अब इसमें क्या होता है कि हम इसको अगर कट करते हैं, डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट प्लेन से कट करेंगे तो डिफरेंट शेप बनेगी। इस कौन को अगर मैं ये कट करता हूँ, ये चीज़ देखिए, मतलब इसके जो कट, इसको जो मैं कट कर रहा हूँ प्लेन को, हॉरिजॉन्टल प्लेन से कट कर रहा हूँ इस कोन को, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। उससे अगर मैं इसको कट करूँगा तो देखिए अब हमारे पास जो शेप बनेगी सर्कल बनेगी। जहाँ से मर्जी मैं इसको यहाँ से कट कर लूँ, सर्कल ही बनेगा, ठीक है। अब आप इस कोन को इमेजिन करके तो फिर सोचेंगे तो आपको समझ लग जाएगी। आप इस चीज़ को प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आप एक पेपर की ही कोन बनाएं इस तरह की और उसको स्ट्रेट कट कर लें, उसको इंक्लाइन कट कर लें, आपको ये शेप यही बनती हुई नज़र आएंगी। अगर इसको मैं इंक्लाइन प्लेन से कट करता हूँ तो मेरे पास ये एलिप्स बनेगी, ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं उसको ऐसे कट, इंक्लाइन प्लेन से कट करता हूँ जो कि एक साइड से उसको कट करे और एक ओपन एंड से उसके जो है ना पास कर जाए, तो पैराबोला की शेप बनेगी, ठीक है। और अगर मैं उसको ऐसे, अब ये दोनों इंक्लाइन प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से कट किया हुआ है तो सर्कल बन रहा है, और ये जो है ये वर्टिकल स्ट्रेट प्लेन से जो है ना उसको कट किया हुआ, बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है, तो इसकी शेप जो है वो हाइपरबोला की बनेगी। अब इसमें हाइपरबोला और पैराबोला में थोड़ा सा डिफरेंस है, वह हम आगे भी डिस्कस करेंगे। जो हाइपरबोला पैराबोला ना, इसकी शेप ऐसी बनती है, ये थोड़ा सा आउटवर्ड होता है लेकिन मतलब तकरीबन ऐसी शेप होती है। और अगर हम हाइपरबोला की बात करते हैं तो हाइपरबोला की शेप ये होती है, इसमें ये वाला डिस्टेंस है ना वो सेम नहीं होता, ये आगे जाके ये ओपन होता रहता है, ठीक है, वाइड होता रहता है। ये डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस इन दोनों में। इसमें हम, हमारे पास एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला के डिफरेंट मेथड्स हैं इनको ड्रॉ करने के। एलिप्स में हम कंसेंट्रिक, रेक्टेंगुलर, ऑब्लोंग और रोम्बस आर्क्स ऑफ सर्कल मेथड नहीं हम देखेंगे, हम करेंगे इसको, लेकिन ऐसा सच ये इम्पोर्टेंट नहीं है। रोम्बस मेथड है और फोर सेंटर मेथड है। इस कोर्स के एंड पे मेंशन, इस सब्जेक्ट के एंड पे, ये जो हमारा लेक्चर है आज का, इसमें एंड पे मेंशन भी है, आपने फोर सेंटर मेथड और रेक्टेंगुलर मेथड की असाइनमेंट भी सबमिट करानी है थ्योरी की। उसके बाद पैराबोला के भी इस तरह डिफरेंट मेथड्स हैं वो हम देखेंगे, और हाइपरबोला के। अभी देखेंगे इसको हम ऐसे कट करते हैं इस ऐसे प्लेन से तो हमारे पास एलिप्स बनेगी, ठीक है। अब यही कौन है हमारे पास, इसको हम ऐसे कट करते हैं, ये भी इंक्लाइंड है, ये भी इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन होता सर्कल का इधर नहीं बताया होगा तो उसके लिए ऐसे ऐसा प्लेन होना था ये। अब ये कैसा प्लेन है जो कि एक साइड से इसको कट कर रहा है, एक साइड से ओपन एंड से पास कर रहा है, और ये इस साइड के पैरेलल प्लेन है, ठीक है, सेक्शन प्लेन पैरेलल टू एंड जनरेटर, पैराबोला। इस तरह से हाइपरबोला के लिए अब ये जो है ये वर्टिकल प्लेन होगा जो कि इस एक्सिस के, वर्टिकल एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, तो ये इसकी जो कटिंग आएगी, ये देखें इस तरह की शेप बनेगी। तो इसमें देखें कि पैराबोला की शेप ऐसे बन रही है और हाइपरबोला की ऐसी, ये आके जाके ओपन होता रहेगा वाइड।
इनमें कुछ कॉमन है, हम एक टर्म यूज करते हैं इसेंट्रिसिटी, उसकी बेस पे हम इन तीन चार शेप्स को जो है ना वो डिफाइन करते हैं कि इसेंट्रिसिटी मैं बताता हूँ क्या चीज़ है। एलिप्स के लिए इसेंट्रिसिटी लेस देन वन होती है, पैराबोला के लिए वन होती है, हाइपरबोला के लिए ग्रेटर देन वन होती है, सर्कल के लिए सेंट्रिसिटी बिल्कुल जीरो होती है या ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो होती है। ठीक है, अब इसकी ये डेफिनेशन लिखी है लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ है क्या चीज़। अब यहाँ भी अगर देखें तो ये हमारे पास एक सर्कल है और ये एक एलिप्स है। अब ये सेंटर पॉइंट है और ये फोकस पॉइंट है। फोकस पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे हम कंपास वगैरह रख के इसको ये ड्रॉ करना शुरू करते हैं। अब देखिए सर्कल जो होगा उसमें तो एक ही वही सेंटर होगा, वही फोकस पॉइंट होगा, वहीं पे रख के हम कंपास रख के इसको ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, सो ये उन्होंने एज ए एग्जाम्पल बताया कि ये वाला सर्कल के केस में ये जो फोकस पॉइंट है ये सेंटर के बिल्कुल करीब होते हैं। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं बिल्कुल सेंटर पे होते हैं। सो इस केस में ये जो सेंटर से फोकस पॉइंट तक का डिस्टेंस होता है वो सी होता है, और सेंटर से एंड पॉइंट उस शेप के एंड पॉइंट तक का डिस्टेंस ए होता है। तो इसेंट्रिसिटी क्या होता है, सी ओवर ए, सी रेशियो ए, सी डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, अब इस केस में देखें आप तो सी, फॉर एग्जांपल सी है पॉइंट टू और ए है हमारे पास टू, तो पॉइंट टू को टू पर डिवाइड करेंगे तो 0.001 आएगा ऑलमोस्ट, जो कि ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो है, बहुत स्मॉल वैल्यू है। ठीक है, तो इस केस में सेंट्रिसिटी ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, और ये जो एलिप्स है, अब इसमें देखिए हमारे जो फोकस पॉइंट्स हैं, फोकाई जो है दोनों फोकस पॉइंट्स वो सेंटर से काफी दूर है, तो यहाँ पे सी डिस्टेंस ज्यादा है। अब सी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे होगा 0.8 और ए होगा 1 होगा, क्योंकि इतना की डिफरेंस है, यहाँ हम कह दें ये 15 है और ये 20 है। ठीक है, सो 15 डिवाइडेड बाई 20 तो ये 0.8 समथिंग लाइक दैट आएगा, तो ये 1 के करीब करीब इसेंट्रिसिटी बनती है। ठीक है, सो ये एलिप्स है लेकिन 1 के एग्जैक्टली करीब नहीं है, 1 से स्मॉल है, तो एलिप्स के लिए इसेंट्रिसिटी 1 से स्मॉल है। ठीक है, बाकी ये सेंटर होता है, ये हमारे फोकस पॉइंट्स होते हैं, ये माइनर एक्सिस होता है एलिप्स में, ये टोटल, सेमी माइनर का मतलब है हाफ माइनर एक्सिस। ठीक है, ये टोटल माइनर एक्सिस होता है और ये मेजर एक्सिस होता है एलिप्स। एलिप्स में दो एक्सिस होते हैं, माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस, ये आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि आपको जब ड्रॉ करने के लिए आएगी एलिप्स तो उसमें भी ये बताया होगा कि इसका माइनर एक्सिस ये है, उसकी डायमेंशन ये है और मेजर एक्सिस की डायमेंशन ये हैं। ओके, सही है। सो एलिप्स को सेपरेटली भी हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि लोकस, इट इज अ लोकस ऑफ पॉइंट्स मूविंग इन अ प्लेन सच दैट द सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट। तो ये क्या है, ये वाले पॉइंट मतलब बेसिकली जब हम आगे आपको देखेंगे, आप ड्रॉ भी करेंगे, ये ऐसे मतलब यहाँ पे इनके ये पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, ऐसे पॉइंट्स होते हैं, उनको मिला के बेसिकली हम पॉइंट्स लगाते हैं और उनको मिला के एलिप्स बनाते हैं। सर्कल का तो ऐसा चीज ही नहीं है, सर्कल में क्या है कि हमने जस्ट एक कंपास रखनी है और क्योंकि उसका रेडियस हर तरफ से सेम है ऐसे ड्रा करते हैं, लेकिन एलिप्स ऐसी चीज नहीं है। एलिप्स में हम ऐसे पॉइंट्स लगाते हैं और उन पॉइंट्स को मिलाते हैं। ठीक है, दैट इज एलिप्स। और इनका जो सम है, अगर हम उन पॉइंट्स को सम करें, उनकी लेंथ को सम करें, तो वो मेजर एक्सिस के इक्वल होगा, और वो जो पॉइंट्स हैं क्या नाम है, जहाँ से इनका डिस्टेंस हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये जैसे इसका ये एक फोकस पॉइंट है या ये एक फोकस पॉइंट है, तो यहाँ से डिस्टेंस इनका जो है वो अगर सम करते हैं तो ये जो दोनों फोकस पॉइंट है फोकस वन और फोकस टू है, और वो जो कह रहा है कि डिस्टेंस इनका सेम रहता है कि इस फोकस पॉइंट से इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, और इधर ही इसे प्लस करो, और इसी तरह से इस फोकस पॉइंट से इनका डिस्टेंस प्लस करो, तो वो सेम रहता है हमेशा।
अब ये नेक्स्ट हमारे पास कंसेंट्रिक सर्कल मेथड है। तो अब इसमें देखिए हमारे पास ने कहा है कि 100 मिलीमीटर और 70 मिलीमीटर ये उसके मेजर और माइनर एक्सिस हैं जो हमने एलिप्स ड्रॉ करनी। कंसेंट्रिक सर्कल, अब हमने लास्ट लेक्चर में कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक सर्कल को डिस्कस किया था। कंसेंट्रिक सर्कल कौन से होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है, तो इसलिए इसका नाम कंसेंट्रिक सर्कल मेथड है क्योंकि इसमें हमने दो सर्कल ड्रॉ करने हैं। तो ये हमने जो उसने स्मॉलर डायमेंशन दी होगी वो उस डायमेंशन का सर्कल ड्रॉ कर लेना है, और जो लार्जर डायमेंशन दी होगी उस डायमेंशन का सर्कल ड्रॉ कर लेना है। तो ये 70 मिलीमीटर डाया का हमने सर्कल ड्रॉ किया है और ये 100 मिलीमीटर डाया का सर्कल ड्रॉ किया है। सही है, अब यहाँ तक सही है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हमने इसको 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। हमारे पास ये तो था ना, हमने पहले एक्सिस ड्रॉ किया, सर्कल ड्रॉ कर लिया है दोनों। अब इसको हम इस तरह से सिंपल कट करेंगे, ये देखिए ठीक है, ये तो इसके चार पार्ट हो गए। हमने इसको 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। उसके लिए क्या है, अब टोटल एंगल इसमें 360 होता है, हमने इसको 12 जो है वो पार्ट्स में डिवाइड करना है। 360 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 30, तो 30 का एंगल बनेगा। टोटल एंगल होते हैं एक सर्कल में 360, उसको 12 पे डिवाइड करेंगे, 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास जो एंगल आ जाएगा वो 30। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे 30 के एंगल की लाइन लगा देनी है, ठीक है। उससे आगे ये 60 की बनेगी, फिर 90, 120, मतलब 30 के डिफरेंस से लाइन लगानी है और उनको एक्सटेंड कर देना। एक मेथड ये है। दूसरा मेथड ये है कि हम क्या करें, यहाँ पे कंपस रखें, यहाँ तक ओपन करें और ये आर्क लगा दें। मैं आपको ये बताता हूँ क्या करना है, हमने यहाँ पे कंपास रखनी है, सेंटर तक ओपन करनी है, ऐसे आर्क लगा देनी। जब इसको यहाँ से ऐसे लेके आएंगे तो यहीं पे आर्क लगेगी, और इस तरह नीचे की तरफ लगा देनी है, ठीक है। फिर यहाँ पे कंपास रखनी है, वही सेम यहाँ पे आर्क और यहाँ पे आर्क लगा देनी। फिर यहाँ पे कंपास रखनी है, यहाँ पे आर्क और यहाँ पे आर्क लगा देनी। फिर यहाँ पे कंपास रखनी है, यहाँ पे आर्क और यहाँ पे आर्क लगा देनी है, ठीक है। सो ये मैंने रफ सी लगाई है, मे बी एग्जैक्टली ना हो, ये देखें। फिर हमने क्या करना है, इन लाइंस को ऐसे मिला देना है, सही है, ये देखें, ठीक है। तो ऐसे हमने इनको, अगर आपको थोड़ा मुश्किल हो इसको समझने में, आप इसको, ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, आप इसको जो है ना वो स्टॉप करके देख भी सकते हैं। सो हमने फिर क्या करना है कि इनको नाम दे देना है, 1 2 3, ये इनको निवास देना जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, बाकी सबको नाम दे देना 10 का। और इसी तरह से छोटे सर्कल में भी हमने इसको नाम दे देना। फिर नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये जो लार्ज सर्कल है वहां वहां पे जो ये पॉइंट्स हैं 1 2 3, वहां से हमने वर्टिकल लाइंस लगानी है, पैरेलल लाइन पैरेलल टू वर्टिकल एक्सिस, ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड हमने लाइन लगानी है ऐसे ऊपर, और यहां से नीचे जो है ये देखें, ये देखें, ये अपवर्ड लाइन लगानी है, ये पैरेलल जो है वाई एक्सिस के पैरेलल लाइंस लगानी है हमने। फिर जो स्मॉलर सर्कल है वहां से हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस लगानी है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, सारे पॉइंट्स से। और ये वन वाली लाइन, इस वन वाली लाइन को कट करनी चाहिए, ये टू वाली लाइन इस टू वाली लाइन को कट करनी चाहिए, इसी तरह से आगे। ये 3 तो पॉइंट ऑलरेडी हमारे पास है, ठीक है जी। ये इस तरह से हमने सारी लाइंस जो है ना वो ड्रॉ कर लेनी, ये पॉइंट्स है। अब इनको पॉइंट्स से देना है, ये देखिए इस तरह मार्क कर लेना है हमने, इसी तरह से हमने पहले मार्क करना है फिर इनको मिला देना। अब इनको सिंपल जो है ना वो हमने मिला देना है, फ्री हैंड स्केचिंग करते हुए, फ्री हैंड हाथ से सिंपल हमने इनको ज्वाइन करना है, तो एलिप्स की शेप बनेगी। ओके, नेक्स्ट जी हमारे पास रेक्टेंगल मेथड, इसमें भी मेजर और माइनर एक्सिस गिवन है। अब इसमें हमने क्या करना है, ये हमारी डायमेंशन 100 की है और ये 70 की है। अब इसमें हमने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेनी है जो डायमेंशन दी होंगी उसके साथ। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ना, अगर हम लास्ट मेथड में, तो ये देखें इसका माइनर एक्सिस कितना बन रहा है, 70, क्योंकि इस सर्कल का डाया कितना, 70, तो इसका माइनर एक्सिस 70, और यही है उसने कहा था 70 मिलीमीटर माइनर एक्सिस होना चाहिए। और ये लार्जेस्ट सर्कल का डाया कितना है, 100, तो इसका ये मेजर एक्सिस 100 का बन रहा है।
तो नेक्स्ट ये हमने इसी तरह से ये ड्रॉ कर लेना है इसको एक रेक्टेंगल। फिर हमने क्या करना है, ये हमने ये वाले इसकी क्रॉसिंग में जो है ना हमने एक्सिस ड्रॉ कर लेने हैं कि इसके सेंटर से इसके सेंटर को मिलाना है ये, और इस लाइन के सेंटर को इस लाइन के सेंटर से मिला देना है। तो इस तरह से ये हमारे पास क्रॉस बन जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इस साइड को चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। ठीक है जी, ये 1.23 और ये 4 एंड वाला। इस तरह से इस साइड को भी हमने चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, जितनी भी इसकी डायमेंशन हो उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लें, स्केल से ही कर लें वैसे। फिर इस डी को इस 1, 2, 3 और 4 से, 4 से तो ऑलरेडी ये कनेक्टेड है, कनेक्ट कर देना है। इस सी पॉइंट को इस 1 से 2 से 3 से और 4 से मिला देना। फिर क्या करना है, हमने ये पॉइंट हमारे पास है ऑलरेडी है, ये यहाँ पे ये वन वाली लाइन और ये वन वाली लाइन कट करिए, वो इसको पॉइंट कह देना है, मिला देना है। नहीं, आपने ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना नहीं है आगे, लेकिन आपको अगर ये ड्राइंग आ जाती है तो आपने ड्रॉ सारा करना है। ठीक है, फिर इस तरह से ये जहाँ पे ये टू वाली लाइन और ये टू वाली लाइन मिल रही है वो उनको मार्क कर देना है। ये पॉइंट मार्क कर दिए और ये हमारे पास ये वाला पॉइंट भी मार्क हो गया। ये हमने इसका 1/4 ऑफ द लिप्स जो है ना वो ड्रॉ हो गई है। यही काम हमने इधर करना है। ठीक है जी, चार इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करके इस डी को इधर भी मिला देना है और इस सी को इधर मिला देना है। अच्छा, ये हम इसको चार से ज्यादा पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, उतनी ही हमारी शेप ज्यादा अच्छी बनेगी, लेकिन वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। नॉर्मली ये चार पार्ट्स में डिवाइड करना रिकमेंडेड है। ठीक है, अगर हम ज्यादा करेंगे उतनी ही हमारे पास ये पॉइंट ज्यादा आएंगे, शेप उतनी ही ज्यादा अच्छी बनेगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है इसको ऐसे, ये देखें ये हाफ एलिप्स बन गई है। अब नेक्स्ट क्या करना है हमने कि अब ये देखें, हमने यहां से ना स्ट्रेट लाइन से नीचे ड्रॉ करनी है ऐसे। एक मेथड ये है कि यहां से हम स्ट्रेट लाइंस जो है ना वो नीचे ड्रॉ करें। ठीक है, और इधर भी हम इसी तरह से 1, 2, 3 मार्क कर लें, इधर भी 1, 2, 3 मार्क कर लें। और वन जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ, मैं एक आपको करके दिखाता हूँ कि यहां से मैंने ना स्ट्रेट लाइन नीचे ड्रॉ कर लेनी है ऐसे, यहां से ऐसे, और यहां मैंने इसे 1, 2, 3 और 4 मार्क किया हुआ है। अब मैंने क्या करना है, इसको ये वन वाली लाइन है इसको ऐसे स्केयर रख के यहाँ पे मैंने पॉइंट मार्क कर लेना है। फिर इसको इसके साथ यहाँ पे पॉइंट मार्क कर लेना है, ये लाइन ड्रॉ की होगी मैंने, इसका इसके साथ स्केयर रख के पॉइंट मार्क कर लेना है। अभी देखें ऐसे ये शेप बन रही है। ठीक है, तो एक तरीका ये है, या दूसरा ये क्या है कि हम इसी तरह से ये वाले पॉइंट्स 1, 2, 3, 4 ये ड्रॉ करें। इस सी पॉइंट को इस 1 से ऐसे, इस 2 से, इस 3 से मिलाएं और इस डी पॉइंट को इस 1 से पास कराएं, इस 2 से पास कराएं, इस 3 से पास कराएं। तो यहाँ पे देखें ये वन वाली लाइन और ये वाले, अब ये सारी रेड है तो ऐसा जिसमें समझ नहीं लगी। तो अब हम क्या करें, मैं आपको इसको थोड़ा सा मजीद ये वन वाली लाइन ऐसे, इस टू को थ्री, टू से इस लाइन को थ्री से ऐसे कर लेना। इस सी को 1 से 2 से 3 से तो ये देखें ये वाला पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट आएगा और ये वाला पॉइंट आएगा। ठीक है, तो ये देखें ये शेप बनेगी, ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी कर सकते हैं जैसे मैंने पहले बताया, वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई मसला हो इसमें तो आप इसको रिकॉर्डिंग को पॉज करके देख सकते हैं, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है जी, तो इस तरह से ये बन जाएगा। अब लॉन्ग मेथड सेम लास्ट मेथड की तरह ही है,
बस इसमें डिफरेंस क्या है वो मैं आपको भी बता देता हूँ। इसमें हमने जो ये रेक्टेंगल बनानी है वो यहाँ पे 75 का एंगल हमने करना है, वहां पे ये स्ट्रेट थी 90 के एंगल पे ही थी, सेम जो ये रोम्बस टाइप है ठीक है, इसमें हमने रोम्बस बनानी है और 75 के एंगल पे बनानी है ठीक है, बस बाकी सेम वही मेथड है सारा। ये देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था ये वाला मेथड यहाँ पे बताया हुआ है। तो ये रोम्बस मेथड सिंपल है, हमने रोम्बस ड्रॉ करनी है, ये 100 की डायमेंशन है ये वाली, और ये 70 की डायमेंशन की रोम्बस ड्रॉ कर लेनी है। फिर क्या करना है हमने इस लाइन का मिड पॉइंट, सारी लाइंस के मिड पॉइंट मार्क कर लेना, ये इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट ठीक है। सो हमने लाइन का मिड पॉइंट कैसे फाइंड करना है, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने किया था ठीक है, लाइन को जो कि दो बराबर से डिवाइड करता है उस तरह से इसका मिड पॉइंट हम फाइंड कर सकते हैं। ये आ जाना है, उनको मार्क कर देना है, इन दो दोनों कॉर्नर्स को मार्क कर देना है, इस पॉइंट को ए से और बी से और इस पॉइंट को डी और सी से मिला देना है ठीक है। ये पॉइंट्स आ जाएंगे हमारे पास ये वाले ठीक है। अब हमने क्या करना है, 1 2 3 4 इनको मार्क नाम दे देना है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे कंपास रखनी है 4 पे, किसी साइड से भी स्टार्ट कर लो कोई मसला नहीं है, बी तक ओपन करनी है और ये आर्क लगा देनी है ठीक है। ये उन्होंने पहले ये ड्रॉ किया है, तो उसके लिए क्या है कि ए पे कंपास रख के, सॉरी 1 पे कंपास रख के ए तक ओपन करनी है और ये आर्क लगा देनी है, वही सेम कंपास यहाँ पे 2 पे रख के ये आर्क लगा देनी है। अगर वो कंपास की सेटिंग खराब हो जाती है तो 2 पे रख के डी तक ओपन करनी है और ये आर्क लगा देनी है। ये हमने इस चीज का ध्यान रखना है कि इस हमारी जो लाइन है ना इससे बाहर नहीं जानी चाहिए। इसी तरह से फिर 3 पे रख के ए तक ओपन करके ये आर्क, 4 पे रख के बी तक ओपन करके ये आर्क। तो ये सिंपलेस्ट मेथड है। सो नेक्स्ट हमारे पास है जी पैराबोला। तो पैराबोला अ बॉल इज थ्रोन इन एयर अटेन्स 100 मीटर हाइट एंड कवर्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 150 मीटर। इसका मतलब है कि 100 मीटर हाइट, ये वाली जो हमारी डायमेंशन है ये 100 होनी चाहिए, ये जो हमने रेक्टेंगल बनाई है, और ये वाली जो ये वाला जो डिस्टेंस है ये 150 होना चाहिए। अब मीटर है, मीटर तो हम सब पेज पे ड्रॉ नहीं कर सकते, इसकी हम स्केलिंग कर लेंगे, हम कहेंगे 1 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर, हम ऐसे भी कर सकते हैं ठीक है। तो वो अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द पेज हम इसको चेंज कर सकते हैं ठीक है। उसके फिर ये इसके सेंटर में हमने लाइन लगा देनी है, उसके बाद क्या करना है हमने हमने इस साइड को और इन दोनों साइड्स को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना ठीक हो गया। अब यहाँ भी देखें, इसमें भी हम 6 से ज्यादा या कम भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी शेप उस हिसाब से बनेगी, आपकी फिजिबिलिटी क्या है। फिर इस पॉइंट को इस तरह से मिला देना है, तकरीबन वो हमारा जो रेक्टेंगल मेथड था लिप्सा उसी उसकी तरह का ही मेथड है ये। दोनों साइडों पे हमने इस तरह इसको इसकी डिवीजन करके इस साइड को भी 6 इक्वल पार्ट में, इस साइड को भी और इधर भी, इसको 6 में इक्वल पार्ट्स में, इसको 6 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर देना है और ये इसको मिला देना सबसे। फिर हमने यहाँ पर ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन पे पॉइंट्स हैं इनको इनसे स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ करनी है, और ये जो लाइन है ये 1 वाली लाइन को यहाँ पे कट करनी चाहिए, 2 वाली लाइन को कट करनी चाहिए, इस तरह से हमने इनको ड्रॉ कर देना है ठीक है जी। ये पॉइंट्स आ जाएंगे हमारे पास, ये देखिए ठीक हो गया। अब लास्ट स्टेप क्या है कि सिंपल इन पॉइंट्स को मिला देना है ठीक है जी। इस मेथड को आपने खुद देखना है, अगर आपको नहीं समझ लगेगी तो आप लोग पूछ सकते हैं ठीक है। हाइपरबोला नेक्स्ट। अब इसमें हमने क्या करना है, हमें इस पी पॉइंट की लोकेशन दी होगी, यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट है आपको दिखाता हूँ, ये देखिए पॉइंट पी इज 40 मिलीमीटर एंड 30 मिलीमीटर फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो इसकी डायमेंशन दी हुई है 40 और 30 की,
यहाँ पे क्या है कि हमारे पास ये 40 मिलीमीटर हॉरिजॉन्टल एक्सिस से इसका डिस्टेंस है, तो वो हमने मार्क कर लेना है, और 30 मिलीमीटर वर्टिकल एक्सिस से डिस्टेंस है, तो वो हमने पॉइंट मार्क कर, ये पॉइंट मार्क कर लिया, ये हमारा बात का काम है, ये एनिमेशन में पहले आ गए। फिर हमने क्या करना है, इस लाइन को एक्सटेंड कर लेना है दोनों साइडों पे, ठीक है, इधर भी और ऊपर की साइड तरफ भी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमारे पास ये जो डिस्टेंस है, अब ये देखिए इसमें जो हमने इस डिस्टेंस को डिवाइड करना है ना, यहाँ पे 30 था और यहाँ पे 40 था, इसलिए इसके टू दो हिस्से हुए हैं, यहाँ पे तीन। ये कैसे करना है कि हमने इक्वल जो इनको डिवाइड करना है ना, वो इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5 का डिस्टेंस हो तो हमने इसको 1 1 1 के डिस्टेंस में, और यहाँ पे 6 का डिस्टेंस हो यहाँ भी 1 1 के डिस्टेंस में डिवाइड करना है, यहाँ पे उसके 5 जो है वो पार्ट्स हो जाएंगे, यहाँ पे 6 पार्ट्स उसके हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने इसके इसको 10 मिलीमीटर के डिफरेंस से यहाँ पे डिवाइड किया। तो इसमें आपने ध्यान के रखना है कि ये दोनों डिवीजन सेम होनी चाहिए, ये नहीं है कि इसको भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, इसको भी इक्वल पार्ट्स पे, ऐसा नहीं करना, इसकी और इसकी डिवीजन सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमने काम कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, हमने इस ओरिजिन पॉइंट को ऐसे 1 2 3 से मिलाते हुए एक्सटेंड कर देना है, इसी तरह से इधर मिला के इसको एक्सटेंड कर देना है, सही है जी। ये हमारे पास 1 2 इधर और 1 2 3 इधर पॉइंट्स आ जाएंगे। अब हमने क्या करना है, यहाँ से ये 1 से 2 से 3 से डाउनवर्ड लाइंस ड्रॉ करनी है, वर्टिकल लाइन, ठीक है, और इस 1 से इस 2 से इस 3 से हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करनी है, तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे। इसी तरह से हमने यहाँ से 1 से ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ करनी है, ये पॉइंट्स आ जाएंगे हमारे पास, ये 1 से ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ करनी है, और इस 2 से ऊपर की तरफ, और इस 1 से हॉरिजॉन्टल लाइन, और इस 2 से हॉरिजॉन्टल लाइन ये कट करनी, ये पॉइंट्स भी हमारे पास आ जाएंगे। अब जस्ट इनको सिंपल इन पॉइंट्स को मिला देना फ्री हैंड। ये प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है, ठीक है, पीवी डायग्राम, इसमें ये तो सिंपल है कि हमारे पास जो है वर्टिकल एक्सिस पे प्रेशर और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वॉल्यूम है, इनकी डायमेंशन दी हुई हो, तो हमने जस्ट इन पॉइंट्स को मार्क करना है, ठीक है। देखो 1 वॉल्यूम पे प्रेशर है 10, तो वो हमने मार्क कर दिया, फिर 2 वॉल्यूम पे हमारे पास 5 का प्रेशर है, वो हमने मार्क कर दिया, ये इस तरह सारे पॉइंट्स मार्क कर देने, बस इनको फिर मिला देना। तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस, जैसे मैंने पहले बताया कि इसकी जो शेप है वो आके जाके ज़्यादा खुलती रहती है, इसकी शेप यहाँ पे थोड़ी सी सही नहीं बन सकी, ये भी ऐसे आगे जाके ना ऐसे स्ट्रेट हो जाता है, ये भी ऐसे ऐसे करके हो जाता है, ठीक है। सो ये इनमें मेन डिफरेंस है। सो व्हेन अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन डायरेक्ट्रिक्स और अ स्ट्रेट लाइन, तो देखें कह रहे हैं कि जब इसमें सेट ऑफ पॉइंट्स, ये पॉइंट्स है ना जो कि मिलके ये बनाते हैं, ठीक है, जैसे हमने पीछे ड्रॉ किया है, ये पॉइंट्स मिलके ही पैराबोला और हाइपरबोला बनाते हैं। तो कहते हैं कि अगर हमारे पास सेट ऑफ पॉइंट्स जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे हों, ठीक है, किसी भी स्ट्रेट लाइन से या इसके सेंटर लाइन से, ठीक है, सो वो क्या पैराबोला, व्हेन द डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस बिटवीन अ सेट ऑफ पॉइंट्स प्रेजेंट इन अ प्लेन टू टू फिक्स्ड पॉइंट्स इज अ पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, इट इज कॉल्ड अ हाइपरबोला। तो कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे हमारा जो ये डिस्टेंस है वो डिफरेंस आए उनमें सेम ना हो, तो हमारे पास अब इसमें और इसमें फोकस पॉइंट भी दो होते हैं, ये F1 और F2, और इसमें एक ही फोकस पॉइंट होता है हमारे पास, ये डिफरेंस, ये हम कुछ डिफरेंसेस लिखी हुई हैं, इसमें सिंगल फोकस होता है, इसमें जो है दो फोकस होते हैं, सेंट्रिसिटीज की 1 होती है, इसकी ग्रेटर देन 1 होती है, इसमें तमाम जो पैराबोला है उनकी शेप सेम होती है, इसमें शेप जो है ना वो वेरी कर सकती है, और इसमें ये देखें द टू आर्म्स प्रेजेंट इन अ पैराबोला शुड बी पैरेलल टू ईच अदर, यही वाले आर्म्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, द आर्म्स इन अ हाइपरबोला आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। तो ये कुछ पैराबोला की एग्जांपल्स हैं, ये देखें ये एंशियंट से कुछ एग्जांपल है, नेचुरल, ठीक है, अब ये पानी जो है टैप से आ रहा है, इसकी ये भी पैराबोला शेप बना रहा है, मैकडोनल्ड का एम, ये दो सिंपल दो पैराबोलास को मिला के एम बना दिया गया है, ठीक है। सो इट्स लाइक बिट लाइक हाइपरबोला नॉट अ पैराबोला। सो और ये भी हमारे पास आगे जाके ये देखिए ऐसे है, और आगे यहाँ से थोड़ी सी एंडर से स्ट्रेट है, ठीक है, और ये वाली शेप भी हाइपरबोला की, ये एक एयरपोर्ट की जो है वो रूफ है, ये देखिए
ऐसे बन रही है। ये ब्रिज का टॉप साइड है, ये भी देखें हाइपरबोला। जो हाइपरबोला नॉर्मली इस शेप में होता है कि एक कर्व उसकी इधर होगी, उसके ऑपोजिट एक कर्व होगी ऐसे, ठीक है। तो ये बेस्ट एग्जांपल है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर है जहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं। और ये इसी तरह से इसमें देखें तो ये लैंप की जो लाइट ये जा रही है, और नीचे नीचे वाली साइड पर भी ऐसे बन, ठीक है। तो ये दोनों भी इस तरह से इसकी बेस्ट एग्जाम्पल। सो आपने आपकी असाइनमेंट क्या है इस वीक की, कि आपने फोर सेंटर मेथड और रेक्टेंगल मेथड से आपने एलिप्स ड्रॉ करनी है। फोर सेंटर मेथड हमने नहीं या इस लेक्चर में डिस्कस किया, वो आपने बाय सेल्फ करना है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। और इस वीक का हमारा जो प्रैक्टिकल है वो इंटरनल और एक्सटर्नल टेंजेंट है, ठीक है जी।